वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन में आपको खुश आमदेद कहेंगे और कराची से खैबर तक का सफर शुरू करेंगे हेडलाइंस से। सियालकोट में डाकुओं और चोरों के 6 मुनज़िम गिरोहों के 23 सरकान गिरफ्तार। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की मसरूका कारें, मोटरसाइकिलें, जेवरात और नकदी बरामद। हाफिजाबाद में लोड शेडिंग और गर्मी के सता कर लिया। खानेवाल में रुखसती से कबल अगवा होने वाली दुल्हन की अदम बाजियाबी, मुतासिरा खानदान ने खुद सोजी का ऐलान कर दिया। सियालकोट में दाखिले के तनाजे पर टीचर ने बेटे की मदद से हेडमास्टर को तशद्दुद का निशाना बना डाला। बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ कोटली के शहरी सड़कों पर आ गए, वापडा ऑफिस को जला दिया, पुलिस का लाठीचार्ज और शेलिंग, पुलिस एहलकारों समेत दर्जनों अफराद जख्मी। वफाकी बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगेगा, पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असेंबली डॉक्टर महरीन भुट्टो की खैरपुर में मीडिया से गुफ्तगू। कश्मीर में PMT का इम्तिहान पास करने के बावजूद मुलाजिमत की अदम फराहमी पर टीचर्स का एहतजाजी मुजाहरा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पख्तूनों के मुस्बत किरदार को तस्लीम किया जाए, वजीर आला अमीर हैदर होती का पिशावर में कौमी जिरगे से खिताब। और क्वेटा में पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान के जरह तमाम वजीर आजम यूसुफ रजा गेलानी की हिमायत में रैली निकाली गई। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा किया, आगाज करेंगे 5 दरियाओं की धरती पंजाब से। और पंजाब में जिक्र होगा सबसे पहले फैसलाबाद का। चैम्बर ऑफ कॉमर्स और नज़िया पाकिस्तान ट्रस्ट के इश्तराक से यौम तकबीर अलामा इकबाल के अफकार की नज़र में के हवाले से एक तकरीब मुनाकिद की गई। तकरीब से खिताब करते हुए मौलाना मुजाहिद अल हुसैनी, मौलाना रियाज खरल, शेख एम बशीर, रुकन सूबाई असम्बली मुस्लिम लीग नून ख्वाजा इस्लाम ओरिया मकबूल जान, मियां अब्दुल करीम, इकबाल फेरोज और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि हमें इकबाल के अफकार को सामने रखकर यौम तकबीर के मौके पर जुबानी जमा खर्च के बजाय अमली इकदाम करना होंगे। मुल्क के मौजूदा हालात देखकर हमारा दिल खून के आंसू रो रहा है, मगर हम सब ने मिलकर मुल्क को बचाना है। मौजूदा हालात की वजह से मुल्की सालमियत को खतरा लाहक हो चुका है। उनका कहना था कि चागी के पहाड़ों में एटमी धमाका करके इस्लामी एटमी मुल्क बनने का जो मकाम हासिल किया है, इस तशख्स को बरकरार रखने के लिए हमें भिकारीपन का कशकोल तोड़ना होगा। जबकि दूसरी जानब सियालकोट में यौम तकबीर के हवाले से मिली नगमों के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। निजी तालीमी इदारे में होने वाली ये तकरीब 4 घंटे तक जारी रही, जिसमें स्कूल में जेर तालीम बच्चों और बच्चियों ने मिली नगमे गाए, जबकि तलबा और तालिबात ने मिली नगमों पर रक्स भी किया। तकरीब में स्कूल के तलबा और तालिबात के वालदेन के अलावा मुअज्जिज़ीन शहर ने भी शिरकत की। यौम तकबीर के मौके पर होने वाली इस तकरीब में शुरका ने पाकिस्तान के एटमी साइंसदानों को खराज तहसीन पेश किया, जबकि मुल्क कौम की तामीर और तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ भी की गई। तकरीब में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालिबात में इनामात भी तकसीम किए गए। बावल नगर में भी यौम तकबीर के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए ज्वाइंट सेक्रेटरी लेबर विंग पंजाब अयूब आलम, जिले जनरल सेक्रेटरी नून लीग हाफिज महमूद अल हसन, अदनान असगर बोतला, यासीन सिद्दीकी और चौधरी रिजवान अरशद ने कहा कि नवाज शरीफ ने आलमी ताकतों के दबाव को नजरअंदाज करते हुए एटमी धमाके किए। डिविजनल सदर शेख यासीन ने कहा कि 28 मई कौम के लिए तारीखी दिन है। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के सैकड़ों कारकुनान ने शिरकत की। कारकुन ढोल की थाप पर नवाज शरीफ को खराज तहसीन पेश करते रहे। बादजां यौम तकबीर का केक भी काटा गया। सियालकोट पुलिस ने डाकुओं और चोरों के 6 मुनज़िम गिरोहों के 23 सरकान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की मसरूका 4 कारें, 20 मोटरसाइकिलें, जेवरात, नकदी और दीगर माल बरामद कर लिया है। मॉडल थाना कैंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एएसपी सिटी सर्कल
आरिफ असलम राव ने बताया कि गिरफ्तार डाकुओं और चोरों के गिरोह ने मुख्तलिफ इलाकों में 100 से ज्यादा वारदातें की जिनसे नाजायज असलहा भी बरामद किया गया है। उनका कहना था कि जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किए जाने वाले मुलजमान के गिरोह में थाना कैंट पुलिस के हाथों गिरफ्तार होने वाला परवेज उर्फ पेजा गैंग भी शामिल है, जिसने जिला सियालकोट के मुख्तलिफ इलाकों से 50 से ज्यादा मोटरसाइकिलें चोरी करने के बाद उन्हें अपने पठान साथियों के हाथों 20,000 रुपए में फरोख्त कर दिया। तहम अब तक इन मुलजमान से 5 मोटरसाइकिलें बरामद की जा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि सिटी सर्कल पुलिस ने रवा माह के दौरान 47 इश्तहारी मुजरिमान और 11 अदालती मफरूर भी गिरफ्तार किए हैं, जबकि मनशियात फरोशों के खिलाफ खसूसी मुहिम के दौरान अब तक 240 किलोग्राम पोस्त, 10 किलोग्राम चर्स, 5 किलोग्राम हेरोइन, 738 बोतल शराब और 36 शराबी भी गिरफ्तार किए हैं। उन्होंने बताया कि नाजायज असलहा के खिलाफ मुहिम के दौरान पुलिस ने 32 पिस्तौल, 3 राइफल्स, 1 बंदूक, 1 रिवॉल्वर और 220 गोलियां भी बरामद की हैं। बुलेटिन का हिस्सा होंगी मजीद खबरें भी, लेकिन इस ब्रेक के बाद। नज़रीन, ब्रेक के बाद खबर शामिल करेंगे मुल्तान से, जिसके इलाके अंदरून दिल्ली गेट में मकान की छत गिरने से 8 साल बच्ची जान बहक, जबकि एक खातून और 3 बच्चे जख्मी हो गए। अंदरून दिल्ली गेट में एक मकान की छत कमजोर शहती टूटने के बायस गिर गई, जिसके मलबे तले एक खातून और उसके 4 बच्चे दब गए। रेस्क्यू के अमले ने मौके पर पहुंचकर मलबा हटाया और जख्मियों को निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ताहम 8 साल बच्ची अरीबा जख्मों की ताब ना लाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ गई। तीनों बच्चे और उनकी मां अनश्तर अस्पताल में जेरे इलाज हैं। हाफिजाबाद में हुकूमती पाबंदी के बावजूद गर्मी की शिद्दत और तवील लोड शेडिंग ने नौजवानों को कई कई फुट गहरी नहरों में नहाने पर मजबूर कर दिया है। लोड शेडिंग के दौरान गर्मी के सताए लोग नहरों में नहाकर जहां ठंडक हासिल करते हैं, वहीं अक्सर औकात अपनी कीमती जानों को भी जाया कर बैठते हैं। हाफिजाबाद और गिरदोनवाह में गर्मी की शिद्दत के साथ साथ बिजली की गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग का दौरानिया 20 घंटे तक पहुँच गया है। लोड शेडिंग के बायस कारोबार बंद होने की वजह से गर्मी के सताए नौजवान ही नहीं बल्कि बच्चे भी अपने बड़ों के साथ नहरों में नहाने के लिए जाते हैं और बिला खौफ व खतर कई कई फुट गहरी नहरों में छलांगे लगाकर गर्मी की शिद्दत को कम करने की कोशिश करते हैं। खानेवाल में रुखसती से कबल अगवा होने वाली दुल्हन 3 माह गुजरने के बावजूद भी बाजियाब नहीं कराई जा सकी। मुतासरा खानी में खुदसोजी करने का ऐलान कर दिया। खानेवाल के नवाही गांव के रहायशी आबिद हुसैन की 19 साल लड़की गुलशन बीबी का निकाह 3 माह कबल मामूजात से हुआ था। रुखसती से चंद घंटे कबल इलाके के बासर मुलजमान यासीन, एजाज, अशरफ और अजमल ने दुल्हन को जबरदस्ती अगवा कर लिया। मगविया के वालिद ने इल्जाम आयद किया है कि पुलिस थाना सदर खानेवाल इसकी अगवा होने वाली बेटी को 3 माह गुजरने के बावजूद भी बाजियाब नहीं करा सकी। मुतासरा खानदान का कहना है कि अगर उनकी बेटी को बाजियाब नहीं करवाया गया तो खानेवाल में होने वाली आईजी पंजाब की खुली कचहरी में वो इज्तिमाई खुदसोजी कर लेंगे। उधर पुलिस का कहना है कि एक मुलजिम गिरफ्तार है, जबकि जल्द ही मगविया लड़की को बाजियाब करवा लिया जाएगा। लाहौर के इलाका इचरा में डाकू बैंक से 30 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए, जबकि मुजाहिमत पर गार्ड को भी जख्मी कर गए। पुलिस के मुताबिक बगैर नंबर प्लेट कार पर आने वाले 7 में से 3 डाकू बैंक के बाहर पोजीशन संभाले मौजूद रहे, जबकि 4 ने अंदर घुसकर अमले को यरगमाल बना लिया और 30 लाख रुपए लूट लिए। इस दौरान मुजमान ने मुजाहिमत पर बैंक के गार्ड को भी बट मारकर जख्मी कर दिया, जबकि बाद इजाफ फरार हो गए। यानी शाहिदीन के मुताबिक डाकू हुलिये से पठान मालूम होते थे, जबकि वो आपस में पश्तो में ही बातचीत कर रहे थे। सियालकोट के सरकारी स्कूल में टीचर ने बेटे की मदद से स्कूल के हेडमास्टर को तशद्दुद का निशाना बना डाला। तहसील सियालकोट के गांव चक वजीर में गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल में बच्चों को मुफ्त दाखिल करने के मामले पर स्कूल के हेडमास्टर सनाउल्लाह और टीचर मोहम्मद अफजल के दरमियान तल्ख कलामी हो गई, जिस पर मोहम्मद अफजल ने तैश में आकर अपने बेटे की मदद से हमला करके स्कूल के हेडमास्टर सनाउल्लाह को तशद्दुद का निशाना बना डाला। महकमा तालीम ने हेडमास्टर पर तशद्दुद के वाक़े का नोटिस लेते हुए टीचर को मुअत्तल कर दिया। दूसरी जानब टीचर मोहम्मद अफजल और उसके बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए थाना कोटली से दमीर में बाकायदा दरख्वास्त भी दे दी गई है।
लाहौर हाई कोर्ट में कत्ल केस में जमानत खारिज होने के बाद मुलजिम के फरार होने की कोशिश नाकाम बना दी गई। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस अब्दुस्सत्तार असगर की अदालत में एक खातून कत्ल के इल्जाम में मुलजिम इदरीस को पेश किया गया। अदालत को बताया गया कि इदरीस और नजीरा बीबी के खानदान के दरमियान निकासी आप के मामले पर झगड़ा हुआ, जिस पर मुलजिम के खानदान के अफराद भी जख्मी हुए। ताहम इदरीस ने कुल्हाड़ियों के वार करके 70 साल नजीरा बीबी को कत्ल कर दिया था। अदालत ने वकला के दलाइल सुनने के बाद मुलजिम की जमानत खारिज कर दी। इस मौके पर इदरीस ने अहाता अदालत से फरार होने की कोशिश की, जिस पर वहां मौजूद फरेकैन में हाथापाई हुई और पुलिस ने मुलजिम के फरार होने की कोशिश नाकाम बनाते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। तांदलिया वाला में ताजर तंजीमों ने तवील लोड शेडिंग के खिलाफ 3 रोजा शटडाउन हड़ताल की धमकी दे दी है। हैदर चौक में ताजर तंजीमों के सुदूर और शहरियों ने शहर और गिरदोनवाह में तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी धरना भी दिया। इस मौके पर उन्होंने एहतजाज करते हुए कहा कि हुकूमत ने शेड्यूल के मुताबिक लोड शेडिंग नहीं की तो ताजर बरादरी 3 रोजा शटडाउन हड़ताल करने पर मजबूर हो जाएगी। इस मौके पर अंजुमन ए ताजरान के सिटी सदर हाजी मकसूद अहमद भट, आतिफ सिद्दीक और दीगर सदूर ने कहा कि अगर हुकूमत ने लोड शेडिंग में कमी न की तो ताजिर बरादरी 3 रोजा शटडाउन करने के साथ साथ ग्रिड स्टेशन और बापटा ऑफिस का भी मुहासिबा करेगी। बहावलपुर में सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी की 46वीं बरसी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। इस मौके पर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में मुनक्किदा सेमिनार से खिताब करते हुए वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार ने कहा कि जिंदा कौमें हमेशा अपने मोहसिनों को याद रखती हैं और उनके नज़रियात पर अमल पैरा होकर मुस्तकबिल को रोशन और महफूज बनाने के लिए जद्दोजहद करती रहती हैं। नवाब सादिक ने इस्लामी यूनिवर्सिटी, सादिक पब्लिक स्कूल, जामे मस्जिद सादिक, सेंट्रल लाइब्रेरी और बहावल विक्टोरिया अस्पताल जैसे मुतादिद इदारे कायम किए। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर उनकी खिदमात के एतराफ़ में असादिक चेयर कायम करने का इरादा रखती है, जिससे तहकीक की नई राहें खुलेंगी। इस मौके पर मेंबर कौमी असम्बली मियाँ बलीगुर रहमान ने खिताब करते हुए कहा कि नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी पंजुम की पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां किसी से पोशीदा नहीं हैं। सेमिनार से प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर, शहजाद अहमद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मलिक हबीबुल्ला भुट्टा, मखदूम नासिर बुखारी, गुलजार गौरी और साहबजादी सायरा अब्बासी ने भी खिताब किया। डीपीओ लोधरा आगा मोहम्मद यूसुफ ने कहा है कि दुखी इंसानों के मसाइल हल करना पुलिस का बुनियादी फर्ज है। कुतुबपुर में खुली कचहरी में खिताब करते हुए उनका कहना था कि आवाम के मसाइल हल करना पुलिस का बुनियादी फर्ज है, इसलिए हमने आईजी पंजाब हाजी हबीबुर रहमान की हिदायत पर खुली कचहरी का इनेकाद किया है। उन्होंने कहा कि आवाम को चाहिए कि वो किसी खौफ के बगैर पुलिस के बारे में शिकायत से उन्हें आगाह करें। उन्होंने कहा कि कम मसाइल के बावजूद पुलिस आवाम की खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर है। बुलेटिन में वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। सिंधरती में बात करेंगे नौशहर फिरोज की, जिसकी तहसील पडीदन में जारी तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर मुजाहरीन ने हाथों में मुख्तलिफ बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। मुजाहरीन का कहना था कि गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग ने उनकी जिंदगी अचीरन बना दी है, उनके कारोबार ठप होकर रह गए हैं। इस मौके पर पीपल्स पार्टी, शहीद भुट्टो ग्रुप, जस्कम और शहरियों की बड़ी तादाद ने नुसरत केनाल पुल पर धरना देकर ट्रैफिक मुअत्तल कर दी। उनका कहना था कि हुकूमत फौरी तौर पर लोड शेडिंग खत्म करके उन्हें रिलीफ फराहम करे। डिप्टी कमिश्नर खैरपुर मोहम्मद अब्बास बलोच ने कहा है कि वज़ीर-ए-आला सिंध की हिदायत पर मजहबी मुनाफरत के खात्मे के लिए जिला भर की तमाम मजहबी जमातों के रहनुमाओं को एक प्लेटफॉर्म पर मुतहद किया जाएगा। खैरपुर में इमदादी चेक्स की तकसीम और मजहबी ग्रुप्स के रहनुमाओं के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि खैरपुर को अमन का गहवारा बनाने के लिए शहरियों को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। इस मौके पर SSP इरफान बलोच ने कहा कि मीडिया ने हमेशा मुस्बत रिपोर्टिंग करके अमन अमान के क्याम के लिए फाल किरदार अदा किया है। बाद हजां DCO और SSP की क्यादत में प्रेस क्लब तक अमन रैली निकाली गई। एक तरफ मुल्क तवानाई के शदीद बहरान की लपेट में है तो दूसरी जानब कराची की शाहराहों पर दिन के वक्त जलती स्ट्रीट लाइट्स लोड शेडिंग के सताए शहरियों का मुंह चढ़ा रही हैं।
कराची में स्ट्रीट लाइट्स का दिन भर रोशन रहना अब मामूल बन चुका है। दिन भर जलती हुई स्ट्रीट लाइट्स देखकर लगता है कि मुल्क में बिजली की कोई कमी ही नहीं। एक तरफ हुकूमत हफ्ते के रोज सरकारी तातील करके बिजली बचाती है, तो दूसरी जानब उसी के मातहत महकमे कराची की कई शाहराहों पर दिन भर लाइट्स जलती छोड़कर बचत इकदाम की धज्जियां उड़ा रहे हैं। केएसी इंतजामिया का कहना है कि सड़कों पर जलती स्ट्रीट लाइट्स की जिम्मेदार शहरी हुकूमत है, क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स का कंट्रोल केएसी के पास नहीं है। सिंध की तकसीम के मंसूबे के खिलाफ आर्टिस्ट नौमान सारंग ने हैदराबाद प्रेस क्लब के सामने अलामती भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इस मौके पर आर्टिस्ट नौमान सारंग ने मोहब्बत सिंध रैली पर फायरिंग की मजम्मत करते हुए कहा कि पुलिस ने अभी तक इसमें मुलव्वस मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं किया, जबकि दहशतगर्द खुलेआम घूमते फिर रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि सिंध की तकसीम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर सैयदा नफीसा शाह जिलानी ने कहा है कि आवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी हुकूमत का फरीजा है। खैरपुर में सड़क की इफ्तिताही तकरीब और आबिदी हाउस में खवातीन के प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत खवातीन की फलाह बहबूद और मर्दों के शाना बशाना शोबा हाय जिंदगी में तरक्की दिलाने के लिए तमाम वसायल बरूए कार ला रही है। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब तालीम याफ्ता पाकिस्तानी ख्वातीन आलमी सतह पर मुल्क कौम का नाम रोशन करेंगी। मौजूदा हुकूमत ख्वातीन को फनी तरबियत देकर उन्हें किफाशार बनाने में मसरूफ अमल है। बादशाह मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मीडिया कौम को हकीकी नुमाइंदों से आगाह करके अपना फर्ज अदा कर रहा है। कश्मीर में 200 से ज्यादा टीचर्स ने पीएमटी के इम्तिहानात पास करने के बावजूद नौकरी न देने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। कश्मीर प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करने वाले असातिज़ा का कहना था कि उन्होंने प्राइमरी स्कूल टीचर्स का इम्तिहान कंधकोट में दिया और पास भी हुए, ताहम महकमे तालीम की जानिब से ताहाल उनकी मुलाजिमत के ऑर्डर जारी नहीं हुए। मोहम्मद अली मलिक की क़यादत में मुजाहरा करने वाले असातिज़ा ने मुतालबा किया कि उन्हें इंसाफ फराहम करते हुए जल्द अज जल्द मुलाजिमत के ऑर्डर जारी किए जाएँ। दरिया सिंध में पानी की कमी के खिलाफ सिंध हारी कमेटी की जानिब से रसूलाबाद से खैरपुर तक एहतजाजी रैली निकाली गई। इस रैली में शरीक सैकड़ों हारियों ने खैरपुर पहुंचकर शहर की सड़कों पर मार्च किया और फूलबाग में धरना भी दिया। सिंध हारी कमेटी के मरकजी सदर कामरेड गुलाम रसूल सहतो ने रैली से खिताब करते हुए कहा कि दरिया सिंध में पानी नहीं है, नहरें सूखी पड़ी हैं। हुकूमत ने विफाकी बजट में ज़रई अजनास पर टैक्स लगाया तो मुजाहिमत करेंगे। उनका कहना था कि सिंध हुकूमत ने पानी का मुकदमा नहीं लड़ा और हुक्मरानों ने पानी के माहदे पर अमल नहीं किया, जिसकी वजह से दरिया सिंध में पानी नहीं है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की नाकाम ज़रई पॉलिसीज की वजह से ज़रात सनत का दर्जा हासिल नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि सिंध के हारी आइंदा आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को वोट देने से पहले सोचेंगे। कॉमरेड गुलाम रसूल सहतो ने कहा कि खैरपुर वज़ीर-ए-आला सिंध कायम अली शाह का जिला है, लेकिन खैरपुर की नहरों में पानी नहीं है और इसका प्रोजेक्ट के ट्यूबवेल्स भी बंद पड़े हैं। उन्होंने कहा कि उनकी भूख हड़ताल दरिया सिंध में पानी की कमी दूर होने और इसका प्रोजेक्ट के ट्यूबवेल्स चलने तक जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर महरीन भुट्टो ने कहा है कि विफाकी बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। खैरपुर प्रेस क्लब में मीडिया से बातचीत करते हुए पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर महरीन भुट्टो ने कहा कि अवामी हुकूमत रोटी कपड़ा और मकान के नारे पर अमल कर रही है, जबकि बिजली गैस पेट्रोल और दीगर अशिया की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए हिकमत अमली बना ली गई है। एक सवाल पर उनका कहना था कि बजट में ज़रात पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ताहम मुफाहिमत की पॉलिसी शहीद बेनज़ीर भुट्टो के मिशन का हिस्सा है, इसलिए यह पॉलिसी जारी रहेगी, जबकि आम इंतखाबात में इत्तेहादियों के साथ सीट एडजस्टमेंट की पॉलिसी पर अमल किया जाएगा। कंधकोट में दो साल कबल आने वाले सैलाब में तोड़ी बंद टूटने के बाद सैकड़ों सड़कें तबाह हो गई थीं, जबकि 50 से जायद गांव का राबता अभी तक बहाल नहीं हो सका है। देखिए इस हवाले से कंधकोट से हुजूर बख्श मंगी की रिपोर्ट।
संतूर में गुज़श्ता दो साल कबल आने वाले सैलाब में तोड़ी बंद टूटने के बाद सैकड़ों सड़कें तबाह हो गई थी, जिसमें 50 से ज्यादा गांवों का रास्ता अभी तक बहाल न हो सका। मकीनों को शहर आने के लिए बेड़ियों पर से गुजरना पड़ा, जिनमें हामिद मलिक के आस पड़ोस रतनवाल चाचा व दीगर गाँव शामिल है, क्योंकि अभी तक सड़कें नाकारा बनी है। खवातीन और बच्चे बेड़ियों पर चढ़कर जा रहे हैं। अगर हुकूमत के करोड़ों रुपए के फंड को कागजी कार्रवाई में तो कमी नहीं की गई, जबकि अमली काम आपके सामने है। ये रास्ता 219 से 50 गांवों में जा रहा है, जिनका ठीका बगैर टेंडर के इलाके के सरदार रुकन असेंबली संत मीर अबुद खान चंद्रानी के पर्सनल सेक्रेटरी अनवर अरबानी और शौकत मलिक ने लिया था, जो के सबका डीओ रोड्स अब्दुल खालिक परिहार ने मिलकर करोड़ों रुपए का बिल पास करा लिया और हड़प कर लिया। कई मरतबा गाँव के मकीनों ने एहतजाज किए, मगर अवामी नुमाइंदों ने सुनी अनसुनी कर दी। एक जानब सैलाब ने उनकी माल और मिल्कियत को तबाह किया, तो दूसरी जानब अवामी नुमाइंदों ने इन मकीनों का कहना है कि इस बार इलेक्शन में पीपी हुकूमत के नुमाइंदों को वोट तो क्या, हम उनका मुंह भी नहीं देखेंगे। कैमरा मैन नजर मंगी के साथ हजूर बख्श मंगी, वक्त न्यूज कंदकोट। रुकन सिंध असेंबली डॉक्टर रेश कुमार ने कहा है कि सिंध में हिंदू बरादरी के मसाइल के हल के लिए हुकूमत बराबरी की बुनियाद पर कानून साजी कर रही है। मीरपुर खास में डॉक्टर रेश कुमार का दरबार हॉल सिंध में अकलियती बरादरी को दरपेश मसाइल से मुतालिक इजलास से खिताब करते हुए कहना था कि यहां आने का मकसद सिंध में हिंदू बरादरी के साथ होने वाले मजालिम को मालूम करके बराबरी की बुनियाद पर हल करने के लिए इकदाम करना है। इस मौके पर डॉक्टर ने डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास को हिदायत की कि हिंदू बरादरी के मसाइल के हल के लिए जिला में शिकायती सेल कायम किया जाए और तमाम दरपेश मसाइल की मुकम्मल रिपोर्ट कौमी असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी में भेजी जाए। इजलास में फयाज हुसैन, तैमूर खान, डिप्टी कमिश्नर नदीमुर रहमान, SSP फरूख बशीर समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। खबरें अब शामिल की जाएंगी आजाद कश्मीर से। बात करते हैं नाज़रीन अबटाबाद की, जहां जारी बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ ताजरों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। DC ऑफिस के बाहर किए जाने वाले मुजाहरे के दौरान ट्रेडर्स के सदर नईम आवान और केंट बाजार के सदर मुमताज खान ने मुजाहरीन से खिताब करते हुए कहा कि महकमा वापटा की जानिब से बदतरीन लोड शेडिंग ताजरों का मुआशी कत्ल है। उनका कहना था कि ताजरों को जान बूझ कर मुआशी बदहाली की जानिब धकेला जा रहा है। इस मौके पर मुजाहरीन ने वापटा की जानिब से जारी करदा बिल्स को नजर आतिश करते हुए हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। उनका कहना था कि कमिश्नर हजारा ताजरों और वापटा अफसरान के साथ मुजाकिरात को यकीनी बनाएं, बसूरत दीगर ताजर बरादरी वापटा के बिल अदा नहीं करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीर हैदर होती ने कहा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पख्तूनों के मुस्बत किरदार को तस्लीम किया जाए। पिशावर निश्तर हॉल में कौमी जिरगे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पख्तून दहशतगर्द नहीं, अमन पसंद कौम है। अमन के कयाम के लिए सियासत को ख़त्म करना होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम अमन के कयाम में किरदार अदा करें। कौमी जिरगे में तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों ने शिरकत की। जिरगा कल भी जारी रहेगा। डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि स्पीकर डॉक्टर फहमीदा मिर्जा की वज़ीर आज़म गिलानी की नाहली के खिलाफ रूलिंग आइन के मुताबिक है। नून लीग वज़ीर आज़म के खिलाफ कौमी असेंबली में अदम एतमाद की तहरीक पेश करे। डेरा इस्माइल खान में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली फैसल करीम कुंडी का कहना था कि स्पीकर की रूलिंग आइन के मुताबिक है। नून लीग को चाहिए कि वह वज़ीर आज़म के खिलाफ कौमी असेंबली में अदम एतमाद की तहरीक पेश करे। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने अपने आईनी फराइज सर अंजाम देते हुए न सिर्फ जमहूरियत को मुस्तहकम किया है, बल्कि इदारों को उनके दायरे कार में रहते हुए फराइज अंजाम देने के मौके फराहम किए हैं। एक सवाल के जवाब में फैसल करीम कुंडी का कहना था कि मौजूदा हुकूमत नए सूबों की हिमायत करती है। बहावलपुर और जनूबी पंजाब के बाशिंदों को दैरीना मुतालबे को आइनी और कानूनी तकाजों पर पूरा करते हुए उन्हें उनके हकूक दिलाने के लिए संजीदा कोशिशें कर रहे हैं। और अब चलेंगे बलूचिस्तान। बलूचिस्तान की दार हुकूमत कोयटा में आज मरकजी अंजुमन ताजिरान बलूचिस्तान, बाद सियासी जमातों और ऑल गवर्नमेंट टीचर्स एसोसिएशन की अपील पर जुज़वी हड़ताल की गई। शहर की अहम मार्केटें, कारोबारी मराकज, प्रिंस रोड, कंदहारी बाजार, मस्जिद रोड,
लियाकत बाजार और जिनाह रोड की बेशतर दुकानें बंद रहीं, तहम शहर में ट्रैफिक और स्कूल्स में हाजिरी मामूल के मुताबिक रही। शहर के मजाफाती इलाकों बैरूरी रोड, सुरयाब रोड, आलम चौक, खरोटाबाद और पश्तूनाबाद में हड़ताल नहीं की गई। हड़ताल के बाद सूबे के दूर दराज के इलाकों से क्वेटा आने वाले लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दूसरी जानिब गवर्नमेंट टीचर्स एसोसिएशन की भूख हड़ताल 20वें रोज भी जारी रही। बलोचिस्तान के वजीर कानून पार्लिमानी अमूर अमीर अब्दुलरहमान जमाली ने कहा है कि सैलाब से तबाह होने वाले इलाकों के अवाम को तमाम सहूलियात उनकी दहलीज पर पहुंचाने के लिए बिला तफरीक तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए जा रहे हैं। जाफराबाद में मुकम्मल होने वाले तरक्याती कामों के हवाले से मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि डेरा लहियार में करोड़ों रुपए की लागत से शुरू किए जाने वाले तमाम तरक्याती मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि मजीद 5 करोड़ रुपए डेरा लहियार शहर में तरक्याती कामों की मद में खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि डेरा लहियार ता सोहबतपुर रोड के काम को भी मुकम्मल किया जाएगा। शहर के लिए साफ पीने के पानी के लिए भी 1 करोड़ रुपए रखे गए हैं। उनका मजीद कहना था कि हमें बलोचों को पहाड़ों से वापस लाने के लिए उन्हें उनके जायज हकूक देना होंगे। अगर बलोचों को हकूक नहीं मिलेंगे तो वो पहाड़ों का ही रुख करेंगे। और नाज़रीन, यहीं कराची से खैबर तक का सफर तमाम हुआ। मुल्क भर से दुनिया भर से मजीद न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए देखते रहिए वक्त न्यूज़।